आवाज़ आ रही है मेरी यूट्यूब पे देखना OBS में। हाँ ठीक है, स्टार्ट करो, मैं चेक कर लूँगा बस। वी आर लाइव। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सारे? बढ़िया, ओके, बिल्कुल सर आ चुके हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या बात है भाई। देखो, सबसे पहले बहुत सारे बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि सर सबसे पहले हमको ये बता दो कि हम एम्स में किस तरीके से तैयारी करें कि हम इजीली स्कोर कर पाए। देखो, एम्स से डरना नहीं है, सबसे पहली बात तो एम्स से डरना नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं, लास्ट ईयर की बात है, मेरे पास में एक बच्ची आई थी, आई थिंक जयपुर से थी वो, मतलब उनके रिलेटिव यहां रहते थे वो प्रॉपर जयपुर रहती थी, तो उसके बोर्ड एग्जामिनेशन हो चुके थे और उसके बाद वो आई थी अपने नाना जी के पास में रहने के लिए। तो वो अपने नाना जी के पास वो रहती थी। अब वहां से उसने क्या किया, स्टार्ट किया अपनी जर्नी को एकदम निल से, यानी कि 11th उसका पूरा लैग हो गया, 12th उसका ठीक ठाक था और उसके शायद 77 के आसपास परसेंटाइल बने थे। अब 77 परसेंटाइल वाली लड़की नीट के अंदर, आप बताओ मेरे को कितना स्कोर करेगी? 77 परसेंटाइल वाली लड़की वो नीट आपका एम्स एमबीबीएस में क्या स्कोर कर रही है, या फिर एम्स नर्सिंग में क्या स्कोर कर रही है, नीट एमबीबीएस में क्या स्कोर कर रही है, नीट से हम बीएचयू में क्या स्कोर कर रहे हैं, या स्टेट बीएससी नर्सिंग में क्या स्कोर कर रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड करता है? क्या आपका 12th कैसा गया है या आपका 11th कैसा गया है? नहीं, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप लास्ट टाइम पे खुद के लिए कितना सिंसियर हो। 77 परसेंट उसका बाद में आया था एग्जामिनेशन के बाद में, बट वो 12th का एग्जाम देके आ चुकी थी स्टडी करने के लिए और उसने अपना अच्छा खासा स्कोर किया, 77 मार्क्स लेके आई वो किसके अंदर, आपके एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। अब मेरे को एक बात बताओ, आयुषी नाम था उसका। अब आप खुद सोचो कि जब हम कुछ गिने चुने, और आपको शायद पता होगा लास्ट ईयर 17 मार्च के आसपास एग्जाम, नहीं 19 मार्च तक एग्जाम चले थे, तो 19 मार्च को उसका एग्जाम खत्म हुआ एंड देन फिर उसने तैयारी शुरू की किसके लिए, एम्स के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से उसने रिजल्ट दिया। अब अगर वो बच्ची कर सकती है तो क्या हम नहीं कर सकते? हमारे पास में क्या उससे ज्यादा दिन नहीं पड़े? हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सिंपल सीधी बात है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो ये तो कहानी की तौर पे कहानी सुनाई मैंने आपको, वो भी रियलिस्टिक कहानी। लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट, अगर हम बोले जीरो से शुरू कर रहे हैं सर, हम तो जीरो से हम शुरू करते हैं हमारे सिलेक्शन की रेस तक 65 तक। यहां अगर हम पहुंच गए तो इससे आगे का स्टेप आता है हमारे पास रैंक लेके, जिससे हम हमारा मनचाहा एम्स ले सकते हैं। मैं आपको आज बस इस वीडियो के अंदर सिर्फ यह बताने की कोशिश करूंगा कि 65 मार्क्स आप कैसे लेके आ सकते हो। अगर आप 65 मार्क्स लेके आते हो, आप किसी भी कैटेगरी में हो, मैं सबसे पहले कंसिडर करता हूं हमेशा जनरल कैटेगरी, तो आप ध्यान रखो, बिल्कुल कर सकते हो परी बेटा, बिल्कुल कर सकते हो निधि सिंह, बिल्कुल लेके आ सकते हैं। और लेके आए हुए बच्चे हैं लास्ट ईयर जिनके 350 स्कोर करे थे, उन्होंने 3 महीने के अंदर इतनी शानदार तैयारी की कि 690 तक उनके स्कोर आ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? बस फर्क पता है क्या रहता है, उस बच्चे के पास में या उस बच्ची के पास में प्लान भी नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था, वो दिन रात बस वहां लगे थे, 14-16 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और ये डेडिकेशन आपको दिखाना ही पड़ेगा। सिंपल सी एक चीज मैं आपको बोलूंगा, आपके एम्स एग्जाम को लेके आप खुद सोचिएगा कि जो आपका एम्स का एग्जाम है, एम्स 2024 के एग्जाम के लिए हम क्या करें? आपको 65 स्कोर करना है ना, आप बस 65 को देखो, आप 100 को छोड़ दो। अगर मैं 65 को डिवाइड करूं 11th और 12th के सेगमेंट में, तो हमने 12th तो अभी अभी पढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं हमको, और 11th हम थोड़ा सा भूल गए हैं या फिर पूरा भूल गए हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके 12th का वेटेज 60% है और 40% इसका वेटेज है, तो अगर मैं पूरी 12th अच्छे से कर लूं ना, तब भी 60% तो स्कोर कर लूंगा। बट सर उसमें फिजिक्स आती है, हमको डर लगता है उससे। पहली बात तो आपके विजय सर आपको डरने देते ही नहीं है। जो बच्चा जय एकेडमी से विजय सर से फिजिक्स पढ़ रहा है ना, उसके लिए फिजिक्स इतनी आसान हो रखी है, मतलब मुझे लगता है कई बार बायो उनके लिए मुश्किल ना बन जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चे बोल रहे हैं, ये आप देखोगे। तो आप इसमें क्या करें, हम रियलिस्टिक बात करूंगा पूरी की पूरी, क्या करें हम? आपको कुछ नहीं करना, आप सिंपली ये 60% और ये 40% को कैसे कवर कर सकते हो? सर हमारे पास में फिलहाल कोई बुक नहीं है, वी हैव नथिंग, हमारे पास कोई बुक नहीं है। मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे PYQ सेशन ले चुका हूं, कहां ले चुका हूं मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे आओगे, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, इस प्लेलिस्ट के अंदर आप देखो एम्स के PYQ क्वेश्चन, ये दिख रहे हैं 23 वीडियोज यहां आ रखे हैं,
23 वीडियोस में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि एम्स का एग्जाम आपका मेमोरी बेस्ड एग्जाम यानी कि आपका सीबीटी होता है तो पेपर बाहर नहीं आता। तो जो मेरे बच्चे, मैं उनको बोलता हूं बेटा आप 4-5 क्वेश्चन याद करके आना, मैं उनको लिख लेता हूं। जब वो हर साल एग्जाम देकर आते हैं, वो बताते हैं, तो मेरे पास में हर बच्चा बताता है, वहां रिपीट भी होता है, लेकिन अमूमन मेरे पास में पूरा पेपर आ जाता है। लैंग्वेज चेंज हो सकती है डेफिनेटली, बट कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम चीजें वैसी की वैसी एज इट इज लाने की कोशिश करूं। अब ये तो रही बात, अब कैसे आप इजीली 65% स्कोर कर सकते हो बिना किसी ऐसे सब्जेक्ट को देखे हुए जहां डेस्क में घुसना पड़े। आप सिंपली कुछ स्टेप्स को फॉलो कीजिए। कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं टू गेट अ 65 मार्क्स? अगर आप एम्स में आसानी से 65 मार्क्स लाना चाहते हैं ना, आसानी से, मैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं, आसानी से आप आसानी से ला सकते हो। कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप क्या करिए, नीट के लास्ट 10 सालों के पेपर कर लो, पीवाईक्यू पेपर। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं बीएससी नर्सिंग के अंदर जो नीट का पेपर होता है उसके 30 क्वेश्चन डीटो आ सकते हैं। वैसे अगर मैं एम्स की बात करूं तो वहां पे करीब करीब आपका 15-20 का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली यहां पे आके मर्ज करता है। इसका मतलब अगर आप 10 साल के पेपर करोगे नीट के पेपर में, आपको भी पता है कि आपके पास में 200 क्वेश्चन आते हैं। अब मैं मान के चल रहा हूं 2015 में, 2017 में, 2012 में क्वेश्चन जो पेपर है वो आउट हुए, रिपीट हुए, तो 10 साल के पेपर आप करोगे तो कम से कम आपके पास में 13 पेपर आएंगे। कितने? 13 पेपर आएंगे, क्योंकि कुछ पेपर रिपीट भी हुए थे, ओडिशा में भी पेपर हुआ था, लास्ट साइक्लोन आ गया था, तो 13 पेपर आपके पास में, यानी हर पेपर में 200 क्वेश्चन, पहले 180 भी होते थे। तो अब आप एवरेज में 200 लेकर चलूं तो आप देखो यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया 1300, यानी 2600 क्वेश्चन आपके पास में आ गए। कितने क्वेश्चन आ गए? 2600 क्वेश्चन। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबको मिला के बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं कि सर इसके बाद क्या करें, तो अगर आप इतना कर चुके हो, आप इतने 2600 क्वेश्चन कर चुके हो, तो अब क्या करें? अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए 1000 क्वेश्चन और दे रहा हूं। ये प्योरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एम्स के लिए है। एम्स, वो भी बीएससी नर्सिंग, एमबीबीएस नहीं, ओनली फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए। अब अगर आपने ये 2600 क्वेश्चन और ये 1000 क्वेश्चन कर लिए ना, आपने कर लिए 3600 क्वेश्चन। अब मैं आपको बोल रहा हूं आप कुछ मत करो, आप कुछ मत करो, इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करो। अब आप 3600 क्वेश्चन, अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि सर मैं रोज 100 क्वेश्चन कर सकता हूं बायोलॉजी को मिला के, 50 क्वेश्चन सर बायो के करूंगा, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के करूंगा, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री करूंगा, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आपसे भाई। लास्ट टाइम पे मैं इतनी उम्मीद तो कर सकता हूं कि बच्चा कम से कम 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के तो करेगा हर रोज के। अगर आप ये करते हो तो आप देखो, यानी 100 क्वेश्चन हो गया, यानी रोज 100 क्वेश्चन करते हो, मैं डिवाइड कर दिया मैंने, कितने दिनों के? 36 दिन, 36 डेज के अंदर आप पूरा चीजें कर लोगे, ये सारे 1000 क्वेश्चन कर लो, सारे क्वेश्चन कर लोगे। हमारे पास में एग्जामिनेशन के लिए कितना दिन बचा है? अमूमन हमारे पास में इससे दुगने दिन बचे हैं, तो इसका मतलब मैं इन 3600 सवालों को दो बार कर लूंगा, टू टाइम्स, कितने टाइम्स कर लूंगा? दो बार। और पहली बार में मुझे दिन लगे 36, अब मुझे एक चीज बताओ, क्या दूसरी बार में भी 36 दिन लगेंगे? क्या दूसरी बार में भी 36 दिन लगेंगे? नहीं लगेंगे। तो दूसरी बार में आप इसे आधा टाइम लगाओ, दूसरी बार में आधा टाइम लगाओ, यानी कि इसमें आपको करीब करीब 17 या 18 दिन दे दिया आपने, तो 17 या 18 दिन दे दिया। अब हमने आधा टाइम जो बचाया है ना, उस आधे टाइम में क्या करें? उस आधे टाइम में आपको जो मैंने एम्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस करवा रखे हैं यूट्यूब के, इन सब की पीडीएफ फाइल आपको कहां मिली हुई है? टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, आप ज्वाइन करो इसको, आपको वहां पे पीडीएफ फाइल मिलेगी। जो मैंने अभी 23 क्लासेस बताई, इसमें और क्लासेस अभी ऐड होगी फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स लंबा होता है थोड़ा, सर आपको डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन, आप उन वीडियोस को देखते हो, उन चीजों को करते हो, तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम पे फाइल पड़ी है आपके पास में, तो यहां आपके पास में मैं दे रहा हूं करीब करीब 800 सवाल। कितने? 800 क्वेश्चन। तो ये 800 क्वेश्चन मैंने दे दिए जो एम्स में आ रखे क्वेश्चन है। आपके पास में दिन कितने बचे? 17। आप इन क्वेश्चन को दोबारा कर सकते हो, कितनी बार? दो बार। आपने पूरा एक सब्जेक्ट नहीं किया है, आपने पूरा सिलेबस कर लिया है, क्योंकि मैं यहां एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, पूरे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। 800 सवाल आपके ये हो गए 3600, कुल मिला के 4400 सवाल आपने दो बार कर लिए। अगर आप इतना करते हो ना, आपका गारंटी के साथ में एम्स में कितना आ जाएगा? 65+। और ये मैं मिनिमम कह रहा हूं बेटा, इतना तो आएगा ही आएगा,
और सीरियसली एक बात बता दूं, अगर हमारी किस्मत अच्छी रही और जो मैं ये 1000 क्वेश्चन जो मैंने बोला, मैंने बुक आपके लिए लेके आ रहा हूं, मैं ये बुक बहुत जल्दी आपको मिलने वाली है ओनली फॉर स्पेसिफिकली एम्स के लिए। इस बुक के अंदर जो 1000 क्वेश्चन है ना, ये पूरे पूरे सब्जेक्ट की निचोड़ है। इसका मतलब अगर आप इनको कर, क्योंकि बायोलॉजी थोड़ा वास्ट है, पूरे के पूरे बायोलॉजी के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक चीज को 500 सवालों में समेट देना गलत बात है। कोई अगर बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है, ये आप भी जानते हो बेटा। 500 सवाल का मतलब होता है कि हम 500 लाइनें याद कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वहां पे हम आराम से समेट सकते हैं 250 क्वेश्चन, 250 कॉन्सेप्ट। आपके एग्जामिनेशन में 25 कॉन्सेप्ट आएंगे फिजिक्स में, उन 25 में के लिए हमने 250 करना, 10 गुना ज्यादा आपको करवाया एक्सपेक्टेड चीजें, आसानी से एग्जाम में आके गिरेगी। तो बस यही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इन सिलेक्टिव चीजों को करते हो ना, टेलीग्राम की चीजों को, आपके नीट के भी आप कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आपको अवेलेबल नहीं होता है, आप मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपके बैचेस में अवेलेबल करवा दूंगा। ये सारी स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो की ना, 65 आप आसानी से ला सकते हो। अब मैं हमेशा बोलता हूं हर बच्चे को, बच्चा क्या सोचता है, आप में से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि सर एम्स में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, एम्स में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एम्स बहुत बड़ी चीज है, हमारे लिए है ही नहीं। अरे आपके लिए क्यों नहीं है एम्स? एम्स आप जैसे बच्चे ही निकालते हैं, हम भी आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आसानी से की जा सकती है। बुक बेटा सबके लिए अलग से है, बुक सबके लिए अलग से। तो ये जो आपको सिलेक्शन सीरीज है, आपको सिलेक्शन सीरीज सिर्फ यहीं से मिल सकती है। आप क्वेश्चन वो करो जो एग्जाम में आते हैं। अननेसेसरी क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। आप स्टेट एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर आप बिहार की तैयारी कर रहे होते ना, तो मैं बोलता आप बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जबरदस्त, क्योंकि आपके खुद के एग्जाम में 300 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन फिजिक्स के, 100 केमिस्ट्री के, 100 बायोलॉजी के। सेलेक्टिव चीजें पढ़ो। अगर आप, आपका टारगेट एम से सबसे पहले सेलेक्ट हो जाओ। आप 100 को टारगेट में मत करो कि सर मेरे 100 नंबर कैसे लेके आऊं मैं। अरे मत लेके आओ ना, क्योंकि 89 तो टॉपर के आते हैं, रैंक 1 के 89 आए हैं, तो यार 11 नंबर तो उसके भी कटे। और जीके को टेंशन लेते हैं सर जीके नहीं आती। अरे देखो जीके छोड़ोगे ना तब भी 90 मार्क्स आएंगे टॉपर के, ऑल इंडिया रैंक 1 उसके। तो थोड़ा सोचो, रियलिस्टिक चीजों से सोचना शुरू करो। हमको तो पहले सिलेक्शन लेना है, उसके बाद रैंक लेके आएंगे। तो पहले 65 क्वेश्चन करेंगे, 65 प्लस करेंगे, ये टारगेट अचीवेबल हो जाएगा। उसके बाद जंप करेंगे एक एक मार्क्स, 66, 67, 68 इस तरीके से आराम से। अब ये एक एक मार्क्स हमारी रैंक लेके आएगा, एक एक मार्क्स में कल्याणी, मालगिरी, हिमदरी आपका। तो इस तरीके से अलग अलग एम्स हम जंप करते जाएंगे। लेकिन पहले यहां ये जो कंपलसरी मस्ट कंडीशन है, वहां तो आना ही पड़ेगा। और वहां आने के लिए आपको कोई ज्यादा बड़ी मेहनत नहीं करनी है, आप बस उन सेलेक्टिव चीजों को करो। और किस तरीके से कर सकते हो मैंने आपको बताया। अब ध्यान रखना, बायो के लिए बात करूं स्पेशली, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए यही चीजें इनफ है। बायो के लिए मैं आप बात करूं तो मैंने आपको बताया, नीट के जो 10 ईयर के जब क्वेश्चन पेपर आप करोगे, तो ये 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर जिन जिन टॉपिक्स को टच करते हैं, मान लो क्वेश्चन आ गया नाइट्रोजन फिक्सेशन से राइजोबियम बैक्टीरिया का, कि नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो हमको बताया फ्रैंकिया किसमें होता है, एल्डर या एलनस प्लांट के अंदर। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन से आ गया ना, तो यू नहीं सर मैं बस हो गया मेरा, नहीं, आप इस टॉपिक को रिवाइज कर लो उसी वक्त। एक पेपर सॉल्व किया हमने, देखा हाँ ये टॉपिक मेरे वीक है, ये टॉपिक क्वेश्चन आ रखे हैं, सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ो, और पूरे चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, आपकी अपने आप तैयारी हो जाएगी, सिर्फ उस नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले टॉपिक को पढ़ लो। अगला सवाल देखा यार ये नहीं बना, ये ब्लड का प्लाज्मा कंपोजिशन में भूल गया, या ब्लड में जो प्रोटीन है वो भूल गया, या क्वेश्चन आ गया कि ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कौन सा ब्लड प्रोटीन यूज में होता है, भूल गया मैं, तो सिर्फ उस वाले ब्लड वाले उस हिस्से को पढ़ लो, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना आपको। फिर दोबारा जब पढ़ोगे तो आपको वहां पता चलेगा यार कार्डियक साइकिल सवाल आया मेरे से नहीं बना, तो अब सिर्फ कार्डियक साइकिल पढ़ो। इस तरीके से स्मार्ट वर्क करोगे ना, तो आप बिलीव करना एग्जाम में आप आसानी से 65 प्लस स्कोर कर लोगे, आसानी से। और अगर एक बार स्कोर हो गया ही है, उसके बाद में आपको अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, क्योंकि आपने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं ना 4400, ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। और एक बार पहले सिलेक्शन की सीढ़ी पे पहुंचे, उसके बाद रैंक की सीढ़ी पे आएंगे। वरना हम क्या करते हैं, हम गैप देखते हैं यार 100 के बीच का कितना गैप है, अभी तो मेरी तैयारी कुछ हुई है, 30 मार्क्स आ रहे हैं। अरे आप ये मत सोचो कि 100 आपका स्कोर है और आप 30 लेके आ रहे हो टोटल, तो आप सोच रहे हो सर 70 का गैप है। अरे 70 गैप क्यों सोच रहे हो, आपको 100 थोड़ी लाना है, आपको तो 65 लाना है ना। तो आप सोचो कि हाँ अब तो मेरे को 35 इंक्रीज करना है, तो कहां 70 कहां 35, देखो जस्ट आधा हो गया। और जैसे ही आधा हो जाता है टारगेट हमारा, कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है, और हम उस डबल कॉन्फिडेंस में हमारी स्पीड अप कर पाते हैं, हमको मोटिवेशन मिलता है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करो, जब 65 पे अचीव करेंगे उस वक्त आप मेरे से बात करना, मैं आपको बताऊंगा कि अब भैया कैसे मैं जंप करूं, और उस वक्त तक आप धीरे धीरे खुद इंप्रूव कर लोगे चीजों को। 34 ईयर भैया बेटा मत करो,
34 ईयर बहुत ज्यादा है। 34 ईयर के अंदर नीट का सिलेबस पिछले 34 ईयर में 3 बार बदल चुका है, हर 7-8 सालों में सिलेबस चेंज होता है। अभी सबसे बढ़िया चीज है आप क्या करो, इन सवालों को करो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और बात बताऊं, बच्चे अक्सर गलती करते हैं जब उनको बोला जाता है पीवाईक्यू क्वेश्चन करने का ना, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं ये पीवाईक्यू क्वेश्चन 2023 का, फिर करेंगे 2022 का, फिर करेंगे 2021 का, फिर करेंगे 29 का। तो इस तरीके से वो करते हैं, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करना, सबसे बेकार मेथड है। मैं हमेशा बोलता हूं आपको जब कॉन्फिडेंस होने लग जाएगा ना, आप अपने आप पढ़ने लगोगे। आप सबसे पहले इसको करो, जब आप इसको करोगे तो उसके बाद इसको करोगे, तो इसमें आपको पता चला अरे यार कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो वो सच में रिपीट हुआ ना बेटा, क्योंकि 2016 आपने पहले आता है, 2017 बाद में आता है, तो 2017-16 पहले आता है, तो 2016 के सवाल रिपीट होंगे ना 17 में। तो पहले आप इसको करो, फिर इसको करो, फिर आप इसको करो, तो जब तक आप यहां आओगे ना, तो बहुत सारे सवाल रिपीट होने लगेंगे और आपको पता चलेगा हां सर ये इसी सालों में रिपीट हुए हैं इसका मतलब। और मैं आपको बताऊं नीट के अंदर भी 2024 में जो एग्जाम होगा उसमें बायोलॉजी के करीब करीब 24 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कितने? 24 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, एग्जैक्टली 24 क्वेश्चन। और अगर मैं वही बात करूं, ये तो मैंने बायो की बात की, अगर मैं वही केमिस्ट्री की बात करूं तो करीब करीब यहां पे आपके 17 क्वेश्चन रिपीट होते हैं 45 में से। और फिजिक्स में बात करूं तो यहां पे आपके करीब करीब 14 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये मैंने एनालिसिस किया बेटा सिर्फ नीट एग्जाम को लेके। अगर मैं इसके अंदर जेई मेन को मिला दूं ना, आईआईटी जेई मेन को, एडवांस नहीं सिर्फ मेन, तो मैं आपको बताऊं मेन के सिर्फ लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करने होते हैं आपको। ये 5 ईयर क्वेश्चंस में अगर आप ये अमाउंट बढ़ाओगे तो मैं आपको बताता हूं ये अमाउंट 20 यहां तो नहीं, यहां ये अमाउंट 23 पहुंच जाता है, यहां ये अमाउंट 19 पहुंच जाता है। तो आप सोचो अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, वो अगर इन 33 इयर्स के क्वेश्चन को कर ले और जेई के लास्ट पांच सालों के पेपर को कर ले, तो आप सोचो 14, 23 और 19 कितने होते हैं। ये आप जैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हो आसानी से, 24, 23 एंड 19, 7 एंड 9 कितना हो गया आपका 14, 16, 16, 1 कैरी एंड 6, 66 क्वेश्चन तो एग्जैक्टली आ रहे हैं उसके। अब आप सोचो मल्टीप्लाई कर दो 66 × 4 कितना हो गया, 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 and 24 × 2 = 26। 260 नंबर तो बच्चों आपके एग्जैक्टली, आपको पता है कि पुराने साल के पेपर से क्वेश्चन बनता है 260 नंबर। आप खुद सोचो अपने आसपास के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 300 नंबर लेके आते हैं, आप सोचो क्या उसने सब 40 नंबर पढ़ाए, क्योंकि उतना पेपर तो भाई जेरोक्स कॉपी आती है अगर आपने ढंग से पढ़ा हो तो। 40 नंबर पढ़ाए सिर्फ उसने पूरे साल भर पढ़ के, जस्ट ये बात सोचना मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और जब नीट जैसे एग्जाम में ये हो रहा है तो क्या हम बीएससी नर्सिंग एग्जाम में क्या करें? यही स्ट्रेटेजी आप अगर फॉलो करते हो ना, आप डर जाते हो कि हां सर एम्स से बहुत बड़ी चीज है। अरे नहीं बड़ी चीज है, अगर बड़ी चीज होती ना तो पेपर बाहर निकालता, वो पेपर बाहर नहीं निकालता ना तो पेपर भूत बना हुआ लोगों के लिए, क्योंकि पेपर बाहर आता नहीं है। तो बच्चे डरते हैं कि सर पेपर बाहर नहीं आता, पता नहीं कैसा पेपर आता होगा। अरे इसलिए तो मैं बच्चों को आपसे पेपर याद करवाने के लिए बोलता हूं कि पेपर याद करोगे मुझे पता चल जाएगा क्या पूछा जाता है और वही मैं आपके सामने डिलीवर करता हूं। तो पेपर ना देने की वजह से बच्चे पेपर कभी देख नहीं पाते, तो बच्चों के मन में पता नहीं साइकोलॉजी सेट रहती है कि पता नहीं पेपर का लेवल कैसा रहेगा, हार्ड आएगा, मुश्किल आएगा, हमसे नहीं बनेगा। तो मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि हम डरने लगते हैं और ये चीज हमको क्या कर देती है, मार देती है अंदर ही अंदर। तो डरना नहीं है, ये डरना नहीं है, हम फाइट करनी है आपको। आसानी से अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, और मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि हां सर मैं ये चीज अब करने वाली हूं या करने वाला हूं, ये जो 4400 क्वेश्चन है ना ये मैं करूंगा या करूंगी, लग जाऊंगा। क्योंकि अभी आपके पास में ये कंटेंट तो है, ये बुक तो अभी आपके पास में नहीं है, बट ये तो है आपके पास में, ये 2600 क्वेश्चन है, आप आसानी से इनको कर सकते हो। इन 2600 क्वेश्चन को आप कर लो, ये 1000 क्वेश्चन की जो बुक है ना वो मैं बहुत जल्दी आपको दे दूंगा। अगर आपने इसको किया और इस 1000 क्वेश्चन को कर लिया ना, ये इसमें सिलेक्शन आपको दुनिया की कोई ताकत तो नहीं रोक सकती, कोई ऊपर ही की कोई कॉस्मिक ताकत तो अलग बात है, बाकी इस दुनिया की ताकत तो नहीं रोक सकती। क्लियर है? आसानी से कर सकते हो, मोरली बहुत सिमिलर रहता है क्वेश्चन। अब मैं देखो इसे उमा रानी पूछ रही है कि सर एम्स का क्वेश्चन और बीसीसी का क्वेश्चन सेम होता है क्या? नहीं होता बेटा, थोड़ी सी चीज सोचना। फिजिक्स में आपको बोला जाए 30 क्वेश्चन बनाओ और फिजिक्स में बोला जाए 100 क्वेश्चन बनाओ, आप सेलेक्टिव क्वेश्चन कहां दोगे? जहां कंटेंट कम होता है वहां क्वालिटी इंप्रूव करती है, जहां कंटेंट ज्यादा होता है वहां क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसका मतलब एम्स में आपके फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 30, बिहार में पूछे जाते हैं 100, तो एग्जामिनर कहां ज्यादा दिमाग लगाएगा, एम्स में या बिहार में? एम्स में।
तो यानी बिहार का पेपर लेवल एम्स के कंपैरिजन में आसान आता है। ये थोड़ी चीजें आप आसानी सोच सकते हो। हां मैंने बिल्कुल बताया है। देखो अमन जी जो आप चीज पूछ रहे हो ये देखिए मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है बच्चों, अगर आपको नहीं पता है एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस किया आप लोगों से। आप देखिए यहां पे आप लोगों के लिए ही मैंने वीडियो बना रखे हैं। ये देखिए ये आपका बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट 75 टॉपिक्स, ये मैंने वो टॉपिक लिए यहां पे जो एग्जाम में हूबहू आके गिरते हैं, इनसे सवाल बनता ही बनता है। यानी जो आप एम्स के नीट के 10 साल के पेपर सॉल्व करोगे ना, तो वहां पे मैंने बोला आपका नाइट इंस्पेक्शन सवाल आया, कार्डियो साइकिल से सवाल आया, तो ये सारे टॉपिक्स मैंने यहां निकाल के रखे हुए हैं। टॉपिक्स है चैप्टर के नाम नहीं है। सेम ऐसा ही मैंने केमिस्ट्री में निकाल के रखा हुआ है, सेम ऐसा ही मैंने फिजिक्स में निकाल के रखा हुआ है। तो डरना ही क्यों है आपको, हम सारी चीजें ऑलरेडी सिलेक्टेड कर रहे हैं। अगर बस ये इतनी मेहनत आप किए जा रहे हो ना बहुत है, सिलेक्शन अपने आप होगा बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम इन सिलेक्टेड चीजों को करते हैं तो आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? बिल्कुल। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में सारे बच्चों ये बता देना कि हां सर हम रेडी हैं, हम करने के लिए रेडी हैं। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं आपको सेगमेंट वाइज एक वापस सारी चीजें बताऊंगा कि एम्स में बायोलॉजी के लिए आपके ये फेवरेट टॉपिक इस बार होने वाले हैं, केमिस्ट्री में ये फेवरेट टॉपिक्स होने वाले हैं, फिजिक्स में ये फेवरेट टॉपिक्स होने वाले हैं, इनको पढ़ के जरूर जाना। आप बोलो तो मैं नेक्स्ट वीडियो फिर उस पर लेके आ जाऊंगा। और ये पढ़ के आना ही आना है हमको, बिल्कुल आना है। ठीक है, एक जगह कंसंट्रेट होके पढ़ना ही पड़ेगा। अगर हम एक जगह कंसंट्रेट नहीं होंगे तो फिर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, फोकस नहीं कर पाएंगे तो रिजल्ट जो बॉडी में रेजिस्टेंस पावर है कि हाँ हम बॉडी को रिटेन रख पाएंगे, हम चीज जो याद किया है वो चीजें हमें उस एग्जाम के अंदर बाहर आएगी वापस, हमको सारी चीजें वापस रिकॉल करनी होगी, वो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? रेडी? बिल्कुल बिल्कुल। और रेडी रहना है आपको, आपको रेडी रहना है बेटा, ये ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि वही इंसान सेलेक्ट होता है आज के कंपटीशन के अंदर जो सिलेक्टिव पढ़ता है, सिलेक्ट हो जाता है। दुनिया भर का कचरा हमको नहीं पढ़ना, हम इतना लोड ले ही नहीं सकते हैं। अगर इतना लोड ले पाते तो क्यों गवर्नमेंट हमारा सिलेबस रिड्यूस करती? अगर किया है तो सोचो उनके लिए भी चीजें कम है, वो क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, तो हम भी फोकस इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पर ही करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं बता देता हूं आपको। आप सबसे पहले देखो आपको हर एक चीज मिल जाती है बेटा आसानी से। आप YouTube पे आए हो, आप YouTube को पहले सब्सक्राइब करो। बहुत जल्दी हमारा परिवार बड़ा होने वाला, पता है क्यों आपको? क्योंकि मैं आपको बहुत क्वालिटी कंटेंट दे रहा हूं जो YouTube पे आपको कहीं नहीं मिल रहा है। आपकी लाइव क्लासेस होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो नर्सिंग एप्टीट्यूड जीके इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपकी होती है। इंपॉर्टेंट सारी सीरीज मैंने आपके लिए निकाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर अपने स्टेट वाइज सारी चीजें देख सकते हो। हर एक चीज, पिछले 10 सालों के बीएससी नर्सिंग के पेपर को एनालिसिस करने के बाद में 24 के लिए क्या एक्सपेक्टेड सीरीज है वो चल रही है आपकी। वन शॉट क्लास जो एप्लीकेशन में होती है उसका मैंने एक डेमो आपके लिए आज, मतलब जो ऐप में हुई वही सेम क्लास मैंने आपके लिए एट ए टाइम पे यूट्यूब पे डाल दी, ताकि आपको पता चले कि ऐप के अंदर बच्चों को कितना शानदार क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। और अगर उनको मिल रहा है तो हमारा भी हक बनता है कि हम भी ले करें चीजों को। क्लियर? ये ध्यान रखना। इंग्लिश की क्लासेस है, जीके की क्लासेस है, आपकी यूपी के लिए है, महाराष्ट्र के लिए है, बिहार के लिए है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक चीज चल रही है। बुक बेटा बहुत जल्दी शायद 12-13 दिनों में रिलीज हो जाएगी। क्लियर? निधि सिंह बेटा नहीं, क्योंकि पेपर कॉस्ट होता है बेटा, मेरे को भी नहीं पता है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है बुक के लिए। एंड डेफिनेटली बहुत जल्दी, मैंने आपको शुरू से बता रहा हूं, शायद मैं 4-5 महीनों से बात बता रहा हूं आपको, एंड बहुत जल्दी 10-12 दिन में होने वाली है बेटा। ठीक है, वो 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली सिर्फ मैं एम्स के लिए लेके आ रहा हूं, एंड देन फिर फर्दर स्टेट्स के लिए सबके लिए अलग अलग आएगी, बट अभी फिलहाल मेरा पूरा फोकस एम्स के लिए है। डरना नहीं है नामिका बेटा, डरना नहीं है। देखो सबसे पहली बात, डरना, डर लगना अच्छी बात है, बट हमको डर को हावी नहीं होने देना है। डरना एक जिंदा इंसान की खासियत है, मुर्दे नहीं डरते हैं, जिंदा इंसान को डर लगता है, और डर उसी को लगता है जो मेहनत करना है, जो मेहनत करता है। क्योंकि ध्यान रखना, जो पढ़ता ही नहीं उसको पता है मेरा नहीं होना है, उसे पता है मेरा नहीं होगा, वो क्यों डरेगा? लेकिन जो डरता है ना उससे मेहनत डर लगता है, और जो मेहनत करता है उसे डर लगता है। तो आप मेहनत कर रहे हो ये इस बात का इंडिकेशन है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि डर हमारा ड्राइविंग फोर्स होता है, हमको आगे चलाएगा। अगर हमको हमारी असफलता का डर सता रहा है ना, तो हम सफल होने की तरफ जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए सुहानी बेटा, कोई डाउट कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एक बच्ची ने पूछा था टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें, आप देखिए यहां पे सबसे पहले तो आप यहां पे फॉलो कर लीजिए इसको, यहां आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं मैंने अपने,
ये देखिए दिख रहे होंगे आपके, अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 8619850532। इस नंबर पे आप मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हो, मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो 8619850532। प्रॉपरली आपके एप्लीकेशन के अंदर बैचेस चल रहे हैं एम्स को लेके, आप उनको एनरोल कर सकते हो। फरवरी में स्टार्ट हुए हैं, दबा के तैयारी हो रही है, जब हर बच्चा तैयारी करा तो हम क्यों नहीं करें। नॉर्सेट का एग्जाम वो भर सकता है जिसने बीएससी नर्सिंग कर लिया है, जो नॉर्सेट सेक्स के फॉर्म आए हैं वो जिन्होंने कर लिया वो कर सकते हैं, क्लियर। उसके बाद देखो यहां पे आपका टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओगे, ये आपका टेलीग्राम रहा, डायरेक्टली आप ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपका एप्लीकेशन का लिंक भी है, तो प्ले स्टोर पर जाके आप सर्च कर सकते हैं या एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जय अकेडमी फॉर नर्सिंग। यहां पे आपके बैचेस हैं ऑलरेडी, आपको मैं बता देता हूं बैचेस आपके, तो आप यहां पे अपने स्टडी को भी स्टार्ट कर सकते हैं आपके बैचेस के अंदर। ये आपके बैचेस हैं, आप स्टोर पे आइए, यहां पे जब से आप स्टोर पे आ जाओगे तो आपको देखिए यहां पे झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, नीट के लिए, आपके एमपी के लिए, एम्स के लिए आपका उम्मीद बैच, जबरदस्त बैच चल रहा है, क्लासेस इतनी पावरफुल है और बच्चे जबरदस्त पढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी बात है क्लासेस पावरफुल नहीं, बच्चे बहुत जबरदस्त पढ़ रहे हैं, और जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो अपने आप से टीचर अपनी पूरी आत्मा निकाल देता है कि हाँ यार, जब बच्चा इतनी मेहनत कर रहा था मैं क्यों नहीं करूं उसके लिए मेहनत। तो बहुत पावरफुल क्लासेस है। यूपी के लिए आपका सफलता बैच है अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार के लिए आपका संकल्प बैच है, महाराष्ट्र के लिए संघर्ष बैच है, ओडिशा वगैरह के लिए आपका पराक्रम बैच है। ये नए बैच स्टार्ट हुए हैं आपके पराक्रम और आपका उम्मीद 2.0, तो इन बैचेस को आप ज्वाइन करके अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हो। लगे रहो तैयारी में, क्योंकि ये तैयारी हमको हर हाल में करनी है। और इसके साथ आपको क्रैश कोर्स भी आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ये आपका एम्स ग्रे प्रहार क्रैश कोर्स 15 मार्च से शुरू होने वाले हैं। इनके साथ में आपको टेस्टरीज भी है, जैसे आपकी ये रही एम्स की टेस्टरीज, अगर आप ऊपर जो मैंने बताया वो बैचेस ज्वाइन करते हो तो क्रैश कोर्स और टेस्टरीज आपको उसी में शामिल मिल जाएगी, अलग से पे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर आप स्पेशली लेना चाहते हैं तो आप क्रैश कोर्स को सेपरेटली और टेस्टरीज को सेपरेटली ले सकते हैं, बस अपनी तैयारी को ध्यान रखना। मोहित जी 40 डे चैलेंज बिल्कुल बायलैंग्वल नहीं है बेटा, वो आपका इंग्लिश में ही है, आपकी टेस्टरीज वगैरह जो है टेस्टरीज हर स्टेट के लिए वो बायलैंग्वल है। ये क्रैश कोर्स है आपके महाराष्ट्र के लिए क्रैश कोर्स है, बिहार के लिए क्रैश कोर्स है, यूपी के लिए क्रैश कोर्स है, यूपी के लिए टेस्ट सीरीज है, तो हर स्टेट की एक सेपरेट टेस्ट सीरीज है आपके एग्जाम पैटर्न पे आधारित। यानी यूपी के बच्चों के लिए एग्जाम 40-40 मार्क्स का हो, 40-40 मार्क्स का हर सब्जेक्ट आता है, इंग्लिश और जीके 20-20 मार्क्स का, वैसा पैटर्न रहेगा। बिहार के लिए 100-100 क्वेश्चन आते हैं, वैसा पैटर्न रहेगा। एमपी के लिए बच्चों के लिए वैसा रहेगा, 50-50 क्वेश्चन, 150-150 क्वेश्चन हो गए। महाराष्ट्र के लिए बात करें 20-20 क्वेश्चन, एम्स के लिए बात करें 30-30 क्वेश्चन, राजस्थान के लिए बात करें 33-33 और 34 क्वेश्चन। तो हर एक एग्जाम ओरिएंटेड चीजें बनाई गई है जय अकेडमी पे, तो बस आपको पढ़ाई करनी है जी जान लगा के बिल्कुल। अब आपको अगर कोई दिक्कत होती है कि सर मैं बैच कैसे परचेस करूं भैया, कैसे सारी चीजें ले सकता हूं मैं, तो उसके लिए भी मेरे पास में आपके लिए एक सॉल्यूशन है। आप मैंने बताया जैसे कि कॉल कर सकते हो, फिर से बता देता हूं मैं आपको 8619850532। ये नंबर फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका और सेव कर लो, बैचेस के रिगार्डिंग, क्रैश कोर्स के रिगार्डिंग, टेस्टरीज के रिगार्डिंग। शाहरुद्दीन अंसारी बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, 7-8 दिन में आपकी बुक आपके पास में आ जाएगी, है ना, मैं बता दूंगा डेफिनेटली। बाकी तब तक मैंने बोला कि 10 ईयर के जो नीट के पीवाईक्यू क्वेश्चन है उनको करो, क्योंकि वो 4400 क्वेश्चन आपको नीट में सिलेक्शन दिला सकते हैं, चाहे आप पैरामेडिक की तैयारी कर रहे हो या नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हेडेक बहुत होता है तो पानी पियो भाई, क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर नहीं होते हैं, हमारी बॉडी में जब सॉल्ट कम हो जाता है तो ब्रेन में भी सॉल्ट कम होगा, और उस वजह से हमारी बॉडी ब्रेन जो है वो क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करने लग जाती है, तो हमको लगता है हमारा हेडेक हो रहा है, तो पानी पिया करो, ठीक है। चलो तो मिलता है ना फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाकी कोई डाउट कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मेरे को जरूर याद करना, अपने जय भैया को कॉल करके पूछ सकते हो आप कभी भी कि भैया मैं कैसे पढ़ू, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं एम्स में कैसे तैयारी कर सकती हूं, मैं बिहार से हूं, मैं बंगाल से हूं, मैं आसाम से हूं, मैं ओडिशा से हूं, मैं केरला से हूं, मैं राजस्थान से हूं, मैं यूपी से हूं, मैं बिहार से हूं, कहीं का भी बच्चा एम्स का एग्जाम दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है आप सारी बच्चियों के लिए कि सिर्फ आप लोग बीएससी नर्सिंग में दे सकते हो एग्जाम, तो बॉयज का कॉम्पिटिशन तो हट चुका है, तो आपको जी जान लगानी है अपनी। और खास तौर से डर होता है कि सर ट्वेल्थ के बाद हम नहीं निकाल पाएंगे, ट्वेल्थ के एग्जाम में हमारा टाइम वेस्ट हो गया, अरे मैक्सिमम बच्चे ट्वेल्थ के साथ सेलेक्ट होते हैं, मैक्सिमम बच्चे ट्वेल्थ के साथ सेलेक्ट होते हैं, रिपीटर फिर भी नहीं होते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें ताजा ताजा ट्वेल्थ पढ़ा होता है, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो बस ध्यान रखना, बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, हमको तैयारी करनी है उस तरीके से कि हम सिलेक्टिव चीजों को पढ़ के चुपचाप सेलेक्ट हो जाएं, ठीक है।
आपने कोट सुना ही होगा कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो बस आप अपनी मेहनत पे जोर दो, सफलता अपने आप मिल जाएगी आपको। बाकी यूपी का सफलता बैच आपके पास में है ही है और एम्स जैसी उम्मीद आप मैंने आपको दे ही दी है। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।